हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का वर्ड पावर सीरीज में स्वागत करता हूं। हम सीखेंगे 5 मिनट में 5 शब्द, 5 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। स्टूडेंट्स, हमारे 5 शब्द होंगे ट्रेस्पास, कलैप्स, एनॉर्मिटी, स्टैंड ऑफ एंड अबाइड बाय। शुरू करते हैं पहले शब्द से, ट्रेस्पास। ये एक वर्ब है, क्रिया, जिसका मतलब होता है किसी की भूमि, घर या संपत्ति में बिना अनुमति के अनधिकार प्रवेश करना, जिसको अतिक्रमण कहते हैं, वो होता है ट्रेस्पास। ट्रेस्पास के साथ में ऑन लगता है, ट्रेस्पास ऑन समथिंग, इसका मतलब टू गो ऑन समबडीज लैंड और एंटर समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, एनक्रोच जिसको कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द चाइनीज ट्रूप्स ट्राइड टू ट्रेस्पास ऑन इंडियन टेरिटरी यस्टरडे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ट्रेस्पास एक नाउन भी होता है, ट्रेस्पासर, जिसका मतलब होता है अतिक्रमण करने वाला, अतिक्रमी जिसको बोलते हैं। और हम कई जगह लिखा हुआ देखते हैं, ट्रेस्पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वर्ड कोलैप्स। कोलैप्स जो है ये एक वर्ब है, क्रिया, जिसका मतलब होता है अचानक ढह जाना। ये कोई बिल्डिंग का जैसे ढह जाना हो गया, असफल होना होता है, पतन होना या बेहोश होकर गिरना भी इसका अर्थ होता है। मतलब ढह जाना, असफल होना या बेहोश होकर व्यक्ति का गिर जाना। To fall down, to fail completely, or to fall unconscious. इनके एग्जाम्पल देखते हैं, The building collapsed after the strong storm last night. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, The share market collapsed after this news. Share market इस न्यूज के बाद में गिर गया। Collapse एक नाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है पतन या ढहना, असफलता भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, He doesn't know the cause of The collapse of his marriage. एक एग्जाम्पल और देखते हैं, The collapse of his empire was not forgotten. ये था हमारा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, Enormity. Enormity जो है वर्ड, ये एक नाउन है, जिसका मतलब होता है विशालता, प्रभाव की गंभीरता भी इसको कहते हैं। मतलब ग्रेट साइज ऑफ समथिंग और सीरियस इफेक्ट ऑफ समथिंग भी Enormity होता है। Enormity के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, Enormity of something. एग्जाम्पल देखते हैं, वी कैन नॉट अवॉइड द इनॉमिटी ऑफ दिस डिजीज। इसकी गंभीरता को हमें अवॉइड नहीं कर सकते। इनॉमिटी का कई जगह अर्थ गंभीर अपराध भी होता है, सीरियस क्राइम जिसको हम कह सकते हैं। ये ज्यादातर प्लूरल में इनॉमिटीज करके यूज होता है, इनॉमिटीज ऑफ दैट किंग। इनॉमस एक एडजेक्टिव होता है, इसी वर्ड से बना है, इनॉमस, जिसका मतलब होता है विशाल या अत्यधिक, इसको कह सकते हैं ह्यूज, इमेंस जिसको कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज एन इनॉर्मस बिल्डिंग, एक ह्यूज बिल्डिंग जिसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड स्टैंड ऑफ, जिसको बोलते हैं, ये नाउन है, इसका अर्थ होता है गतिरोध। स्टैंड ऑफ के बाद में बिटवीन आएगा, स्टैंड ऑफ बिटवीन ए एंड बी हम कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेड लॉक जिसको कहते हैं, ना जीत की स्थिति है ना हार की स्थिति है, बीच की स्थिति हो गई। ठीक है, जहां हम कोई एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अ सिचुएशन इन विच एन एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड नीदर साइड कैन विन, जिसको हम टाई बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, बोथ द गवर्नमेंट्स आर इन स्टैंड ऑफ ओवर द राइट ऑफ द लैंड। भूमि के अधिकार की बात पर दोनों सरकारें स्टैंड ऑफ पे है, गतिरोध पे है। स्टैंड ऑफ का मतलब ये एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है दूरी बनाकर रखना, टू स्टैंड सम डिस्टेंस अपार्ट। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे यू हैव टू स्टैंड ऑफ फ्रॉम द फायर। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, वी हैव टू यूज वेपन्स टू स्टैंड ऑफ द स्टोन पेल्टर्स। हमें पत्थर फेंकने वालों से बचने के लिए, उनसे दूरी बनाने के लिए हथियार प्रयोग करने पड़े। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाइड बाय, एक फ्रेजल वर्ब है। अबाइड बाय का मतलब होता है नियम का पालन करना, टू अब अबे अ लॉ और टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रेलेवेंट एग्जाम्पल है, यू मस्ट अबाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। अबाइड एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है सहन करना, बेयर, टॉलरेट करना। इसका एक और अर्थ होता है किसी एक स्थान पर रहना या ठहरना, टू लिव एट अ प्लेस। दो अर्थ होते हैं, सहन करना या किसी एक स्थान पर रहना। ये जो सहन करना है ये नेगेटिव में यूज होते हैं, आई कैन नॉट अबाइड बाय पीपल
हु आर केयरलेस। एक और सेंटेंस, मे हार्मनी अबाइड इन अस ऑल, हम सब में हार्मनी रहे। अबाइडिंग एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक चलने वाला, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 5 शब्द। थैंक यू।